नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें भैया। तो चलिए बाकेलाल के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दर्शन दो यमराज। दोस्तों, इसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने तीनों पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के तीनों पार्ट को जरूर देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, तीनों पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 90 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस चौथे और आखिरी पार्ट में हम इसके आगे की कहानी जानेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन, ओम शंभो। अरे बाकेलाल तुम? जी हाँ महाराज, आज से आप हमारे महाराज हो, अतः आपकी सेवा और सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। सुरक्षा? पर क्यों? राजा की जान को 1000 खतरे होते हैं महाराज, और महाराज का विश्वास पात्र होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि आपकी रक्षा जान देकर भी करूं। फिर राजा मार वाली घटना के बाद सावधानी आवश्यक है। कह तो तुम ठीक रहे हो बाकेलाल। चलो, मैं जरा नित्य क्रिया और स्नान के लिए जाऊं, फिर पूजा भी करनी है। ठहरिए महाराज, तो क्या हुआ बाकेलाल? पहले मुझे नित्य क्रिया और स्नान करने दीजिए। तुम मेरे स्नान गृह में? हाँ महाराज, पता नहीं अंदर मौत का कैसा जाल बिछा हो, इसलिए पहले मैं अंदर जाऊंगा, फिर आप। पूजा अर्चना के बाद ये रही आपके राजसी वस्त्र और मुकुट, इसे धारण कीजिए महाराज। परंतु ठहरिए महाराज, क्या हुआ बाकेलाल? इसे पहले मैं पहनूंगा। परंतु क्यों? शत्रुओं का क्या भरोसा, वस्त्र या मुकुट के अंदर जहरीला लेप लगा दिया हो? क्या कह रहे हो बाकेलाल, ऐसे भी होता है क्या? कुछ भी संभव है महाराज। ठीक है, तुम इसे पहन के देख लो। बेटा महामंत्री हमेशा मुझे संकटों में फंसाकर प्रसन्न होता था ना, तेरी तो मैं ऐसी बीन बजाऊंगा कि तू 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। फिर राज दरबार में बोलो, कब्र में पांव लटकाए हमारे महामंत्री महाराज धर्म सिंह की जय। इससे पहले कि धर्म सिंह सिंहासन पर बैठ पाता, ठहरिए महाराज, क्या बात है बाकेलाल? सिंहासन पर पहले मैं बैठूंगा। हाँ, पहले तुम बैठो। फिर आरंभ हुई राज दरबार की कार्यवाही। आज की पहली सुनवाई है गंगोतेली बनाम राजा भोज की। गंगोतेली और राजा भोज हाजिर हो। हुजूर, मेरा नाम गंगू तेली है, पर मैं तेली नहीं माली हूँ। हुजूर, मेरा नाम राजा भोज है, पर मैं राजा नहीं आवारा हूँ। ये रोजाना मेरे बगीचे के आम खा जाता है, ये झूठ है। मैं आम जरूर खाता हूँ, पर इसके बगीचे से नहीं। झूठ मत बोल। तो झूठ बोला तो झुट्टा, नहीं तो झुट्टा। खा अम्मा की कसम, तेरी अम्मा की कसम। अबे चुप, अगर एक भी शब्द और बोला तो 10-10 कोड़ी की सजा दूंगा दोनों को। महाराज, अब आप ही इनका फैसला करें। कौन सा फैसला? मुकदमे का फैसला। कैसा मुकदमा? मुकदमा? ओह, वो हमारी तबीयत कुछ सही नहीं है, तो तुम ही कर दो फैसला। जैसा आप कहें महाराज। राजा भोज, तुमने कहा कि तुम आम तो खाते हो पर इसके बगीचे से नहीं, फिर कहाँ से खाते हो? आम की जो डालियां बगीचे से बाहर होती है वो मैं पत्थर मारकर तोड़ देता हूँ, फिर खाता हूँ। चूंकि वह आम बगीचे की सीमा से बाहर है, इसलिए उस पर उसका हक नहीं है। ये तो अन्याय है महाराज। जब पेड़ बगीचे के अंदर है तो उसका फल भी बगीचे का ही माना जाएगा। ऐसे कैसे माना जाएगा? जिस जमीन पर फल गिरेगा, फल उसके मालिक का। और चूंकि फल बगीचे की सीमा के बाहर राजपथ पर गिरा है, इसलिए जो उसे लेगा फल उसका। शांत हो जाओ। दोनों की दलीलें सुनने के बाद राज दरबार इस नतीजे पर पहुंचा है कि राजा भोज ने जो आम खाए हैं वो गंगू के बगीचे की सीमा से बाहर के थे, इसलिए राजा भोज को गंगू का कोई मूल्य नहीं देना। मगर फल राजपथ पर गिरा था, सौरिया राज्य की संपत्ति है, इसलिए राजा भोज को राज दरबार को इसका मूल्य चुकाना होगा। चूंकि फल गंगू के बगीचे के पेड़ का था, इसलिए उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्य करेगा। राज दरबार की कार्यवाही के बाद, महाराज प्रथा के अनुसार आपको कुलदेवी नोकिया देवी के मंदिर जाना है, आप तैयार हैं ना? हाँ, हम तैयार हैं, परंतु जाने से पहले मैं कुछ जरूरी हिदायतें आपको देना चाहता हूँ महाराज। कैसी हिदायतें? कुलदेवी का मंदिर राज्य की सीमा के पास पहाड़ियों के ऊपर बना है,
हाँ मुझे पता है, परंतु आपको ये नहीं पता कि दुष्कर पहाड़ी इलाका होने के कारण उस पर की सीमा उस तरफ की सीमा हर स्थान पर सैनिक नियुक्त नहीं है। शत्रु देश के घुसपैठिए अक्सर इसका लाभ उठाकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गुप्त हमले कर जानमाल का भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, कुलदेवी के मंदिर के अंदर आपको अकेले ही जाना होगा, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। वहां शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कह रहे हो बाकेलाल? सच कह रहा हूँ महाराज, इसलिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ ताकि आप शत्रुओं को किसी भी आकस्मिक हमले से बच सके। किसी अज्ञात स्थान पर भेदिया खबर लाया है श्रीमान। क्या खबर है भेदिया? राजा धर्म सिंह आपने पूरे लश्कर के साथ नौकिया देवी के मंदिर पर जाने के लिए रवाना हो चुका है। बहुत अच्छे, क्या वो कमीना बाकेलाल भी उसके साथ है? नहीं श्रीमान, वो अकेला ही जा रहा है। बहुत अच्छे, राजा मार को भेज दो, धर्म सिंह उस मंदिर से बचकर नहीं निकलना चाहिए। अब पूरा होगा मेरा प्रतिशोध, राजमहल के एक एक कर्मचारियों को चुन चुन कर मारूंगा, चाहे वो मंत्री हो या संतरी, और अंत में मरेगा वो शख्स जो मेरी इस दशा का उत्तरदायी है। कौन है वो शख्स जिसने आप इतनी घृणा करते हैं श्रीमान? आप हैं कौन और क्या हुआ था आपके साथ? आपने अपने बारे में आज तक कुछ नहीं बताया। बताऊंगा, परंतु अभी नहीं, अभी भेद खोलना ठीक नहीं है। यहाँ से आगे का रास्ता आपको अकेले और पैदल ही पार करना होगा महाराज। हाँ, पता है। हे प्रभु, रक्षा करना, भक्त की जान अब तुम्हारे हाथ में है। बेटा महामंत्री, जान तो तेरी मेरी हाथों में है। जानता हूँ बेटा, बाकी तू आसपास ही छुपा बैठा होगा। एक बार तुझे रंगे हाथों तो पकड़ लूँ, फिर तुझे सूली पर ना लटकवाया तो मेरा नाम भी मर खपने ही। मंदिर के अंदर बाके ने कहा था कि मंदिर का भारी और विशाल घंटा सावधानी से बजाना। हो सकता है कि उसे स्पर्श करते ही वो झटके से सिर पर गिर जाए, इसलिए मैं यह डंडा साथ लाया हूँ ताकि दूर से ही घंटा। हे भगवान, ये घंटा तो सचमुच गिर गया। अगर मैं इसके नीचे होता तो मेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। टन टन टन, और मैंने बाकेलाल की सलाह पर अमल ना किया होता तो आज इस घंटे के नीचे मेरी लाश पड़ी होती। अरे, ये घंटा तो सचमुच गिर गया, मैंने तो इसे डराने के लिए यूं ही कह दिया था। अब मैं अपने हाथों में दस्ताने चढ़ा लेता हूँ, क्योंकि बाके ने कहा था कि हो सकता है जब मैं नोकिया देवी के देवे की अर्चना के लिए फूलों का ढेर से फूल उठाऊं तो कोई भयानक बिस्तर मुझे डस ले। हे प्रभु, ये तो बहुत ही भयानक बिस्तर है। अगर मैंने दस्ताने ना पहने होते तो हाय, सर भी निकल आया। इसका मतलब किसी ने महामंत्री को मारने के लिए षड्यंत्र रचा है, और अपने दो षड्यंत्र असफल होने के बाद वो बौखला कर सीधा हमला करेगा। ओह नहीं, बचिए महामंत्री जी। साए, रुक जा दोस्त। बस बाकेलाल, तेरा खेल खत्म, अब तू मेरे चुंगल से नहीं बच सकता। उफ, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, वो भाग जाएगा। एक और चाल पर अब तू बचकर भाग नहीं पाएगा। सेनापति के बच्चे, बाकेलाल सेनापति, बाकेलाल को छोड़ो। परंतु महाराज, इसने आपके प्राण लेने का प्रयास किया। इसने मेरे प्राण बचाए हैं मूर्ख। वो देखो, इसी ने मुझे मारने के लिए तीर छोड़ा था। अगर सही वक्त पर बाकेलाल मुझ पर छलांग ना लगाता तो मेरे प्राण निकल जाते। उफ, सेनापति, तुम्हारे चक्कर में राजा मार भी हाथ से निकल गया। ओह, महल पहुंचकर एक दिन राजा का कार्यभार संभाल कर मुझे यकीन हो गया कि मैं इस राजपद की योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। जान बची तो लाखों पाए, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरी आने वाली पीढ़ियों की तौबा, जो मैं दोबारा राजा बनने की सोचूं। कौन है यह राजा मार और क्यों पड़ा है राजा की जान के पीछे? बेटा वाके, तुझे जल्दी से जल्दी इस राजा मार से निपटना होगा, क्योंकि आखिरकार राजा तो तुझे ही बनना है। इस बार तो तू मेरे हाथों से बच गया बाकेलाल, पर अगली बार नहीं बचेगा। मुझे पता है ये सारा चक्कर तेरा ही है, बस सिर्फ एक प्रमाण मेरे हाथ लग जाए। बोलो लौट के बुद्धू घर के आए महाराज, महामंत्री धर्म सिंह की जय। चलो भाई, महामंत्री जी ने तो हथियार डाल दिए, अब अगला कौन? ये बात तो बाकेलाल जी ही बताएंगे। तो फिर बता दो बाकेलाल, कल राजा कौन होगा? अगला राजा होगा प्रबंध मंत्री जुगाड़ सिंह। बोलो, मिर्च में लाल मिट्टी, दाल में कंकड़, जुगाड़ सिंह जुगाड़ करे तनकर।
जुगाड़ सिंह एक संख्या का कमीना, मक्कार और 420 है। महामंत्री पर चले दांव, इस पर नहीं चलेंगे। इसके लिए कोई और तरकीब सोचनी होगी। बाकी प्रबंध मंत्री जुगाड़ सिंह के सिंहासन से उतारने का जुगाड़ सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ जुगाड़ सिंह बिना किसी जुगाड़ के राजा बनने की खुशी में बावला हुआ जा रहा था। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अब तक अपने करामती जुगाड़ से मैंने छोटे मोटे घपले ही किए थे, पर आज मुझे एक स्वर्णिम मौका मिला है। एक दिन में मैं ऐसा घोटाला करूंगा, सात पुस्तकों का भला हो जाएगा। इससे पहले कि खुशी में बावला जुगाड़ सिंह अपनी और पोल पट्टी खोल पाता, अरे ये क्या, ये तो कोई संदेश है कि क्या लिखा होगा इसमें। हमें पता है कि प्रबंध के नाम पर तू किस तरह राजकोष के धन का दुरुपयोग करता है। अगर कल तूने राजपद के लिए अपना नाम वापस नहीं लिया तो मैं तेरा भांडा सबके सामने फोड़ देंगे। तुम्हारा शुभचिंतक। किसका पत्र पढ़ रहे हो प्रबंध मंत्री? कौन भाग्यलाल किसी का पत्र नहीं। तुम यहाँ कैसे? हकलाना बंद करो और ये पत्र मुझे दो। जबरन पत्र पढ़ने के बाद, ओह तो ये है तुम्हारा असली रूप? नहीं भाग्यलाल, ये झूठ है। ये कोई षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। तुम्हारे खिलाफ कौन षड्यंत्र करेगा? पता नहीं, वो ये होगा कोई जो जो नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं। हम मुझे लगता है ये कोई तुम्हारा बहुत करीबी है। तुम्हारे विभाग का ही कोई शख्स है जो राजपद की दौड़ में शामिल है। मेरे विभाग से तो मुख्यतः खान पान मंत्री, कपड़ा मंत्री, सफाई मंत्री और अस्तबल मंत्री जुड़े हैं। इन चारों में से किसी ने ये षड्यंत्र किया हो सकता है, या फिर चारों ने मिलकर। अब मैं क्या करूं बाकेलाल? इससे पहले कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चले, तुम उसके खिलाफ चाल चल दो। वो कैसे? फिर उसी रात। क्या बात है सैनिक? आपके खिलाफ कालाबाजारी और घोटालों का आरोप है, आपको हिरासत में लिया जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम सैनिक? मेरा चरित्र मेरे द्वारा बनवाए गए कपड़ों की तरह बेदाग है। आपने आपको जो कुछ कहना है कल राज दरबार में कहिएगा। किसके आदेश पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? हमारे होने वाले महाराज जुगाड़ सिंह के आदेश पर। तुम लोग भी बड़ी ही चालाकी से उसने हमें, हाँ अस्तबल मंत्री, ये सब उस कमीने जुगाड़ सिंह की चाल है। बड़ी ही चालाकी से उसने हमें घोटाले में फंसा दिया, ताकि ना हम राजा बन पाए और ना ही उसे रोकने के लिए कुछ कर पाए। वो हमें राजपद की दावेदारी से हटाना चाहता है, ताकि खुद राजा बना रह सके। मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। कौन? भाकेला, तुम हमारी मदद करोगे? हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। जुगाड़ सिंह को उसकी करनी का दंड मिलना चाहिए, पर तुम ऐसा करोगे कैसे? मैंने, तुम लोग करोगे। तुम सभी कल प्रातः दरबार में उसकी पोल खोलोगे, वो भी पूरे साक्ष्य और प्रमाणों के साथ। परंतु ऐसा करने पर हमारी भी पोल खोल जाएगी बाकेला। आखिर सारी मलाई हम सब में बांटकर ही तो खाते थे। उसकी चिंता मत करो। तुम लोगों का न्याय न्याय मंत्री अन्याय सिंह करेंगे। जो तुम्हारे पुराने मित्र हैं वो तुम्हें सरकारी गवाह बना देंगे। बात तो आप सही कह रहे हो। ठीक है, हम सब तैयार हैं। क्यों साथियों? हाँ, हम सब तैयार हैं। बहुत अच्छे, मैं अभी महामंत्री के पास जाकर उनको सब कुछ बताता हूँ। ये दांव भी बिल्कुल सही पड़ा। जब से मोटा गया है मेरा एक भी षड्यंत्र असफल नहीं हुआ। लगता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी पनौती वही था। अब कल दरबार में मजा आएगा। दूसरी तरफ एक अज्ञात स्थान पर, क्या राजा बच गया? पर कैसे? बाकेलाल की वजह से। लगता है उसने पहले ही धर्म सिंह को आगाह कर दिया था, इसलिए वो घंटे से भी बच गया और सबसे भी। तब मैंने उसे तीर से मार डालना चाहा, पर बाकेलाल ने फिर उसे बचा लिया। कमीना वहीं छुपा बैठा था। बाकेलाल, 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 परेशान कर रखा है इस नाम ने मुझे। हर बार मेरी मलाई पर मुंह मारने चला आता है कमबख्त। आप कहें तो पहले इस बाकेलाल को ही, नहीं इतनी आसानी से नहीं, उसे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही। नहीं, इतनी आसानी से रहस्य नहीं खोलूंगा। अगला राजा कौन है बे? उसकी मौत का इंतजाम भी करना है। अगले दिन राज दरबार में, प्रबंध मंत्री जुगाड़ सिंह, तुम्हारे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सच है? बिल्कुल नहीं हजूर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ताकि मैं राजपद के लिए अयोग्य साबित हो जाऊं। झूठे हमें फंसाकर खुद राजा बनने की चाल चलता है।
तेरी वजह से हमें सारी रात कारागार में बितानी पड़ी। इसकी बात का यकीन ना करना महामंत्री जी, एक संख्या का हरामखोर है ये, इसे तो सूली से लटका दो। इसका फैसला तो अब न्याय मंत्री ही करेंगे, लेकिन तब तक इन सभी को राजपद के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। नहीं, हाँ, परंतु अब समस्या ये है कि आज सिंहासन पर कौन बैठेगा? कोई भी नहीं। राज्याभिषेक का शुभ समय निकल चुका है। अब जो भी होगा कल होगा, और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। अगले दिन पर्ची में नाम निकला शकुन अपशकुन मंत्री का, परंतु आज का दिन शकुन अपशकुन मंत्री के लिए अपशकुन से भरा था। उफ, ये क्या, सुबह सुबह कवे ने बिट कर दी, और ये क्या, काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा बेटा, बल्कि मैंने ही बिल्ली से रास्ता कटवाया है, और ये कौवा मैंने ही उड़ाया था, बीट भी मैंने ही फेंकी थी। ओह, ये क्या, पीठ पर छिपकली गिर गई, ये तो घनघोर अपशकुन है। क्या बात है महाराज, संकेत सिंह जी, ये मेरे साथ अपशकुन पे अपशकुन हो रहे हैं बाकीलाल। फिर तो आपको फौरन अपशकुन को काटने के लिए उपाय करना चाहिए, आखिर आज आपको राजगद्दी पर बैठना है, भगवान ना करे कहीं कोई अनहोनी हो गई तो। मैं भी इसलिए परेशान हूँ बाकेलाल, क्योंकि जब तक अपशकुन कट नहीं जाते तब तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, कोई नया वस्त्र नहीं पहन सकता, कुछ बोल नहीं सकता, और साथ ही मुझे अन्य क्रियाएं भी करनी होगी। इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी बता नहीं सकता। मैं सब जानता हूँ बेटा संकेत सिंह, कैसे कैसे अपशकुन नामक पुस्तिका का गहन अध्ययन करने के बाद ही तो मैंने ये योजना बनाई थी। कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप दरबार पहुंचे, क्या पता जो हो रहा है वो आपके हित के लिए हो रहा था, क्या पता वो आपके हित के लिए हो रहा हो। ठीक है बाघेलाल, तुम चलो, मैं शौच आदि से निवृत्त हो लूँ, क्योंकि अपशकुन कटने की प्रक्रिया उसके बाद ही शुरू हो पाएगी। थोड़ी देर बाद राज दरबार में बोलो शकुन को भी अपशकुन बनाकर पेश करने वाले महाराज संकेत सिंह की। ओ जी महाराज, आप कच्चा बनियान में ही आ गए जी, अगर वस्त्र नहीं थे तो मुझे बोला होता, मैं ला देता जी। आप मुझे घूर कह रहे हो जी, क्योंकि अपशकुन काटने की पहली प्रक्रिया है घोरना। ओह मारा, क्यों जी? क्योंकि घोरने के बाद अगली प्रक्रिया है पीटना। आप मेरे पास क्यों आए हो महाराज? क्योंकि पीटने के बाद अगली प्रक्रिया है छेड़ना। पुछ, साले बुड्ढे ठरकी, खोजा को छेड़ता है? तुम सब साले एक जैसे हो। पहले वो कमीना आरती मंत्री होली के बहाने मेरे स्नान गृह में घुस आया, और अब तूने सबके सामने मेरी पुच्छे ली। राजा बन गया तो तू क्या समझता है खोजा कुछ नहीं कहेगा? तेरी तो मैं, ये ले हाय। और फिर जब काफी समझाने पर खोजा के क्रोध का ज्वालामुखी शांत हुआ, तब छी छी महाराज, आपने विशालगढ़ का नाम पूरी मिट्टी में मिला दिया। छेड़ने के लिए खोजा ही मिला था क्या आपको? और कपड़े नहीं थे तो मुझे कहलवा दिया होता, मैं भिजवा देता राष्ट्रीय वस्त्र। बस करो, आप लोग महाराज ने जो कुछ भी किया वो करना उनकी मजबूरी थी, अब बेकार की बहस ना करें और राज दरबार की कार्यवाही आरंभ होने दें। बाकीलाल ठीक कह रहा है महाराज, आप सिंहासन पर पधारे। क्या बात है महाराज, आप सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? लगता है खोजा की पिटाई से महाराज की बैठक में कोई समस्या आ गई है। आप ऐसे ही कार्यवाही शुरू क्या करें, आज शनिवार है, याद है ना, आज अंगना जी का नृत्य संगीत का कार्यक्रम है, परंतु वो अब तक नहीं आई। परंतु वो अब तक आई क्यों नहीं? ओ जी मैं बताता हूँ जी, ओ जी अंगना जी आई थी, पर खोजा का दुखड़ा सुनकर वापस चली गई। जाते जाते कह गई कि जिस दरबार में एक खोजा की इज्जत सुरक्षित नहीं, वहां वो नृत्य नहीं करेंगी। बेटा घर सत्यानाश, हो गई छुट्टी। तो फिर हम सब चलते हैं महाराज, मुझे जरूरी काम याद आ गया। हमें भी चलिए महाराज, हम भी चलते हैं, यहाँ रुकने का कब कोई फायदा नहीं। तभी भड़ा, ये क्या, हे भगवान, किसी ने सिंहासन के अंदर विस्फोटक लगा रखे थे। ये काम जरूर राजा मार का होगा, अगर आज मैं उस सिंहासन के ऊपर बैठा होता तो आज यहाँ मेरी लाश पड़ी होती। बाकी सही कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाहर में गया राज सिंहासन, बेटा संकेत सिंह तो बिना राजा बने ही अच्छा है। ये राजा मार तो गंभीर समस्या बनता जा रहा है, उसकी पहुंच महल के अंदर तक है।
सेनापति को सीमा से वापस बुलाना होगा। मैं अपना नाम वापस लेता हूँ महामंत्री जी, मैं इस पद के योग्य नहीं। कहीं अज्ञात स्थान पर फिर बच गया। तू राजा मार है या घसियारा? एक शिकार तक खत्म नहीं कर पाया तू। गर्र, मेरे मौत के जाल में कोई कमी नहीं थी श्रीमान भंगार। सिंहासन में विस्फोट हुआ था, पर अगर कोई उस पर बैठे ही ना तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। ये जरूर उस कमीने बाकेलाल की कोई चाल होगी। पिछली बार भी उसी की वजह से प्रबंध मंत्री के राजा बनने पर हम कुछ नहीं कर पाए, और इस बार अब तो हद ही हो गई। मैं चाहता तो ये था कि बाकी की मौत सबसे अंत में हो, पर अगर उसने अपनी मौत चुन ही ली है तो क्या किया जा सकता है। राजामार, बाकेलाल के लिए मौत का जाल तैयार करो। अब बाके का शिकार मैं खुद करूंगा। दूसरी तरफ बाकेलाल ने मुझे सीमा पर भिजवा दिया ताकि वो आराम से अपने कुत्सित योजना को अंजाम दे सके, और तुम मूर्ख एक दूसरे की पोल पट्टी खोलकर उसकी योजना को सफल बनाते रहे। गलती इसकी है सेनापति जी, इसने राजा बनने के लालच में हमें फंसवा कर कारागार भिजवाया, और तुम लोगों ने जो संदेश भेजकर मेरी पोल पट्टी खोलने की धमकी दी उसका क्या? सफेद झूठ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुप हो जाओ, ये सब तुमको आपस में भिड़वाने की बाकेलाल की चाल थी ताकि तुम सब राजपद के लिए अयोग्य साबित हो जाओ। इसका मतलब हम सबको बाकेलाल ने मूर्ख बनाया। परंतु अब हम क्या करें सेनापति जी, हर बार हमें घोटाले में फंसने से आप ही बचाते हो, इस बार कुछ चक्कर चलाओ। फिलहाल तो तुम लोग एक दूसरे पर लगाए आरोप वापस ले लो। रही बात बाकेलाल की, तो उस पर अब 24 घंटे मेरी निगाह है। उसने एक भी गलती करी तो मेरे पंजे में आया। गुर्र, अब तो लगता है सारे प्रतियोगी परखे जा चुके हैं, सिर्फ नारा मंत्री बचा है। उसका नारा तो मैं पलक झपकते ही काट दूंगा। अब तो तेरा राजा बनना तय है बेटा बाके, परंतु इस राजा मार का कोई हल समझ में नहीं आ रहा है। बाकेलाल जी, बलराम, बलराम नहीं गुप्चर बलराम 008 आपके लिए खबर लाया हूँ। राजा को मारने वाले राजा मार का पता चल गया है। वो पुरानी नगरी में भवन संख्या 336 में छुपा बैठा है। तू सच कह रहा है? कहीं पिछली बार की तरह तेरी ये खबर भी झूठी तो नहीं? क्या बात कह दी बाकेलाल जी, गुप्तचर बलराम 008 की क्षमताओं पर संदेह? पिछली बार भी तूने यही कहा था जब राजनर्तकी अंगना टेढ़ावत जी का अपहरण हो गया था, और तूने मुझे जिस स्थान का पता बताया था, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां मुझे अंगना जी नहीं मिली बल्कि लड़ाकू बौने मिले, उन्होंने जिन्होंने मिलकर मेरी बीन बजा दी थी। आज भी जब वो घटना याद करता हूँ तो दुखता है। बाकी की लड़ाकू बौनों से हुई टक्कर के बारे में जानने के लिए बाकी की किसी आगामी कॉमिक्स का इंतजार करे। धन्यवाद। गुप्तचर बलराम की खबर कभी गलत नहीं होती, मेरी सूचना सही थी। आप पहुंचे देर से थे, और अभी भी अगर आप जल्दी ना गए तो वो हाथ से निकल जाएगा। और हाँ, छुप छुपा कर अकेले जाना वरना वो हाथ नहीं आएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, परंतु अगर ये सूचना गलत हुई तो तुझे पाव भाजी बनाने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। भाके के जाने के बाद शाबाश बलराम, अब वो पुरानी नगरी जाएगा और हमारे नकली राजामार के सामने सब कुछ भग देगा, और हम उसे रंगे हाथों पकड़ देंगे। गुप्तचर बलराम 008 सिर्फ मुद्राओं के लिए काम करता है। चलो अब हमें भी बाकेलाल के पीछे जाना चाहिए, उसे रंगे हाथों गिरफ्तार भी तो करनी है। पुरानी नगरी कभी विशालगढ़ की राजधानी हुआ करती थी, परंतु भयंकर भूकंप के कारण इस स्थान पर सिर्फ खंडहर ही खंडहर रह गए हैं। इस राजा मार ने भी छुपने के लिए अच्छी जगह ढूंढी है। ये स्वामी मुझे किस भूतिया नगरी में ले आए, यहाँ मानो तो दूर कोई पशु या पक्षी तक नजर नहीं आ रहा है। मुझे चेतक को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता मुझे छुपते छुपाते जाना है। एक बार फिर सोच लो स्वामी, जमाना खराब है। चुपचाप यही बंधा रहा, मैं फौरन राजा मार को आम का अचार बनाकर वापस आता हूँ। जाओ फिर, तुम्हारे जैसे पंगेबाज बिना पंगा किए कहाँ मानता है। यह रहा भवन संख्या 336, इसी के अंदर छुपा बैठा होगा वो कुंभक्त, परंतु द्वार से अंदर जाना सुरक्षित नहीं होगा, ये टूटी लकड़ी ही सही होगी। चढ़ बेटा बाके, जितना चढ़ना है चढ़ ले, पर गिरेगा तू आज मेरे पैरों पर। चमचा सिंह, नकली राजा मार तो अंदर पहुंच चुका है ना? पहुंच चुका होगा ना? हाँ हजूर, अब तक तो वो अंदर पहुंच चुका होगा। तुम
तो चलो हम भी अंदर प्रवेश करते हैं, परंतु खिड़की से नहीं बल्कि दरवाजे से। परंतु दरवाजे के अंदर कदम रखते ही ओई, अंदर तो मैं पहुंच गया पर यहाँ तो धूप अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है। हाय मर गया, हाय मर गया। सेनापति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हाँ, हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। पीछा? इसका मतलब तुमको पता था कि मैं यहाँ राजा मार को ढूंढने आया हूँ। दरअसल वो सूचना हमने ही भिजवाई थी। तुमने भिजवाई थी? पर क्यों? हमें शक था कि राजा मार तुम्हारा ही आदमी है, और अगर तुम्हारे सामने नकली राजा मार आएगा तो तुम उसके सामने अपनी सारी योजना कबूल कर लोगे और हम तुमको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे बचा लो बाकेला, मैं मरना नहीं चाहता। अबे लानती, अगर राजा मार तेरा आदमी है तो उसने हमें मौत के जाल में क्यों फंसाया? ये राज मैं तुम्हें बताता हूँ बाकेलाल, क्योंकि तुझे मौत के जाल में फंसाने वाला राजा मार असली है। नकली राजा मार को तो मैं कब का ऊपर पहुंचा चुका हूँ, परंतु तुम्हारी हमसे क्या शत्रुता है? तुम हमारे प्राण क्यों लेना चाहते हो? मेरी तुम लोगों से कोई शत्रुता नहीं है, मैं तो किराए का कातिल हूँ। तुम्हारे प्राण लेना चाहते हैं महान भंगार। अब ये साला भंगार कौन है? हसमुख के बारे में? मैं हूं महान भंगार। पहले जीता जागता इंसान था पर आज भंगार बन गया, और मेरी इस हालत का जिम्मेदार तू है बाकेलाल। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। ध्यान से देख मुझे बाकेलाल, मैं हूं हसमुख, महाराज विक्रम सिंह का भूतपूर्व सलाहकार। हसमुख? परंतु तुम तो महल के अंदर दबकर मर गए थे। करीब करीब मर ही गया था, पर मेरे चेलों बड़के और छुटके ने मुझे बचा लिया। मैं बहुत ज़्यादा घायल था। बड़के और छुटके ने मुझे शल्य चिकित्साचार्य के पास ले गए। उन्होंने मेरे क्षतिग्रस्त अंगों की जगह ये धातु के यांत्रिक अंग लगा दिए। मुझे होश में आने में 6 महीने लग गए। जब मुझे होश आया तब तक तुम विक्रम सिंह के प्रमुख सलाहकार और चहेते बन चुके थे। मैं तो तुम्हें तभी मार देना चाहता था, पर बड़के छुटके ने मुझे रोक लिया, क्योंकि तब हम कमजोर थे। फिर हमने विशालगढ़ के शत्रुओं से हाथ मिला लिया और अपनी गुप्त सेना बनाई। पुरानी नगरी जो भूकंप के कारण तबाह हो गई थी उसे अपना मुख्य अड्डा बनाया, और आज संयोग देखो तुम लोग खुद ही मरने के लिए यहाँ आ गए। सिर उठाकर देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सिरों पर लटक रही है। कुछ करो बाकेलाल, वरना यह हमारी चटनी बना देगा। अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो मैं आज कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचूंगा। हे प्रभु, कहाँ फंसा दिया! ना तो बचने का कोई रास्ता है और ना ही निकलने की कोई तरकीब। अब मैं ये पत्थर गिराकर तुझे उसी तरह कुचलवा के मारूंगा जैसा कि तूने मुझे मारने की कोशिश की थी। अलविदा बाकेलाल सर। ऐसे कैसे अलविदा? मेरे स्वामी का अहित करने चला था, अब इसके नीचे मरेगा तू। चेतक, आह, जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर चले आओ स्वामी। शाबाश चेतक, दिल खुश कर दिया। चेतक आज हमारे लिए अवतार बनकर आया है, और फिर स्थिति पलटते ही बाके शेर पर सवार हो गया। क्यों बे भंगार, बहुत उछल रहा था? तूने क्या सोचा मैं बिना किसी तैयारी के तेरी मौत के जाल में फंसने आ जाऊंगा? मैंने ऐसे किसी आपात स्थिति के लिए पहले ही चेतक को तैयार रहने को कहा था। झूठे स्वामी, मरने से तुझको मैंने बचाया और सारा श्रेय खुद ले रहा है। तू क्या धक्का, तुम्हें भी, तू और तेरे साथी फंस गए हैं मौत के जाल में। अब बोल हसमुख गिराओ पत्थर। बाकेलाल, अब मैं हसमुख नहीं भंगार हूँ, और भंगार के सामने ये छोटे मोटे पत्थर कोई मायने नहीं रखते। नमूना देखना चाहता है तो देख ले। भड़ाम, उफ, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। रुक जाइए भंगार महान, ये भवन कमजोर है, कहीं आपके घातक हमलों से ये भवन ही ना धस जाए। भड़ाम, इस भवन से जल्दी निकले स्वामी, वरना यही हमारा जीवित समाधि बन जाएगी। यह आदमी पागल हो गया है, कमबख्त का मारा भावुक हो गया है। उनके बाहर निकलने के साथ ही भवन तो पूरा धस गया। भंगार और उसके साथियों का क्या हुआ होगा? पता नहीं, सैनिक बुलवाकर महल को खुदवाना पड़ेगा। खुदाई के बाद हमें राजामार और बड़कू छुटकू की लाश तो मिल गई, पर भंगार इसमें नहीं मिला। इसका मतलब वो बचकर निकल गया होगा। फिलहाल वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, और राजामार का खतरा भी टल चुका है। परंतु अब हमारे सामने वही सवाल दोबारा खड़ा हो गया कि कौन बनेगा विशालगढ़ का राजा। इसका फैसला तो हो गया। बाकेलाल जी ने अपने बुद्धि बल और वीरता से राजामार का आतंक समाप्त किया। यही बन सकते हैं विशालगढ़ के नए राजा। हाँ हाँ बाकेलाल जी, बनेंगे राजा।
वाह महामंत्री जी, बहुत अच्छे। अगर तुमने अगर बाकीलाल को ही राजा बनाना था तो ये प्रतियोगिता करवाई ही क्यों? तुम कहना क्या चाहते हो नारा मंत्री? यही कि राजपथ पर मेरा अधिकार है, क्योंकि ना तो मुझे राजपथ के अयोग्य करार दिया गया है और ना ही मैंने राजपथ छोड़ने की घोषणा की। फिर बाकीलाल को राजा कैसे बनाया जा सकता है? उफ, बंगाल के चक्कर में इसका इंतजाम करना भूल गया और अब एकमात्र सफल प्रतियोगी होने के कारण ये चौड़ा हो रहा है। नारा मंत्री सही कह रहा है, नारा मंत्री को राजा बनाओ वरना हमें राजा बनाओ, मनमानी नहीं चलेगी। मौका देकर ये भी चौका मारने आ गए क्योंकि मैंने इनको अयोग्य करार दिलवाया था। नारा मंत्री तो ठीक से नारा भी नहीं लगा सकता, राजा क्या खाक चलाएगा? राजा बनेगा ही राजा बाकीलाल ही बनेगा वरना खून खराबा हो जाएगा। ये सब मंत्री भ्रष्ट है, बाकी राज्य का सच्चा सितैषी है, हितैषी है। हाय हाय, सही कहा, हमारा राजा कैसा हो बलमा बाके जैसा हो। शांत हो जाओ सबके सब, ये दरबार है अखाड़ा नहीं। बाकेलाल और नारा मंत्री में से राजा कौन बनेगा अब ये फैसला मंत्रियों के द्वारा मतदान से होगा। मर गए, अधिकतर मंत्री मुझसे मन ही मन जलते हैं। उन दोनों ने अगर मतदान किया तो मेरी हार अगर मतदान उन लोगों ने अगर मतदान किया तो मेरी हार तय है। सोच बाकी कुछ सोच, ठहरो इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो राज सिंहासन का एक अदना सेवक हूँ, मैं राजा नहीं बन सकता। राजा नारा मंत्री को ही बनने दो, परंतु राजा बनने से पहले मैं नारा मंत्री के कान में कुछ राजनीति के गुर बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ऐसा क्या? आज बाकीलाल जी ने मुझे वो जो राजनीति के गुर सिखाए उसे सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया है। मेरा मतलब मेरे अंदर सत्य का प्रकाश जागृत हो गया है और अब मुझे ज्ञात हो गया है कि राजनीति के खेल में मैं अभी एक अबोध बालक हूँ। इसलिए मैं राजपथ छोड़ने की घोषणा करता हूँ। बाकी से यह विनती करता हूँ कि वो राजपथ ग्रहण करके हमें कृतार्थ कहे। जरूर, मगर अब मान भी जाओ बाकेलाल। हाँ हाँ मान भी जाओ, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हम वापस आ गए हैं। महाराज आप मोटा इतनी जल्दी वापस आ गया? महाराज आप इतनी जल्दी जिंदा वापस कैसे आ गए? हमारे पुत्र मोह के कारण, जब उसे पता चला यम चालीसा का पाठ 40 सालों में पूरा होता है तो इसने झट से जल्दी पढ़ाओ चारे को ढूंढकर हमारे सामने खड़ा कर दिया और उन्होंने 40 वर्ष का पाठ केवल 40 दिनों में पूरा करवा दिया। वाह मोहक बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी सारी योजना मिट्टी में मिला दी कमबख्त। आपको भला दुखी कैसे देख सकता था बाकी चाचा? एक बात बताओ नारा मंत्री, बाके ने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा कि तुमने अपनी आई गद्दी ठुकरा दी? उन्होंने बस यही कहा कि अगर मैंने चुपचाप गद्दी छोड़कर उनको राजपद की योग्य करार ना दिया तो ये सबको बता देंगे कि रानी और उनकी सखियों के नित्य कार्यक्रम में खोजा बनकर जाने और वहां की दासियों को छेड़ कर पीटने वाला महानुभव मैं ही था। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो प्लीज़ जाइए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।